मामा मैडम, मामा मैडम, मामा जी देखो ना उधर, देखो उधर, ऐसे देखो, सब कंट्रोल कर रहा हूँ, चलिए मत, चलिए मत, चलो थोड़ा सा पीछे कर। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, विधायक वहां पर मौजूद हैं, हालांकि मीडिया कर्मी जब उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह भी थोड़ा इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया गया। 2019 से अस्थिर करने की, अपदस्थ करने की साजिश केंद्र में बैठी मोदी की सरकार कर रही थी और पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के मैंडेट का आज इन्होंने अपमान करने का काम किया है और बेवजह बिना किसी गलती के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ के हमारे आदिवासी यहाँ विश्वम गुरु शिबू सोरेन, इस राज्य के निर्माता जो विश्वम गुरु शिबू सोरेन, उनके उनका खून उनका बेटा आज इस राज्य का नेतृत्व कर रहा था और ये बर्दाश्त नहीं हुआ केंद्र में बैठी सरकार को और आज साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इससे झारखंड के लोग घबराने वाले नहीं और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, और सारे हम लोग 50 की संख्या में हम लोग। मैं बुला नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी हो, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं देखिए, कोई सहमति आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री झारखंड के बनाए जाएंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक में यह फैसला ले लिया गया था, पहले से ही इनके नाम पर सहमति बन गई थी। आपको बता दें फिलहाल परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन और जो जानकारी है उसके मुताबिक सरायकेला खां सीट से आते हैं चंपई सोरेन, जहां से उन्होंने 5 बार विधायक के तौर पर जीत कर वो आए हैं और काफी भरोसेमंद नेता है, खासतौर पर जेएमएम में काफी कद्दावर जेएमएम के नेता हैं और उन्हें ये कमान जो है झारखंड की सौंपी गई है। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये फैसला ले लिया गया है। आदिवासी कल्याण मंत्री भी है चंपई सोरेन और फिलहाल परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन, जिन्हें अब झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, वहां अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद चंपई सोरेन के नाम को प्रस्तावित किया गया है और वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ सहमति चंपई सोरेन पर बन गई है और कहा यह जा रहा है कि विधायक राजभवन में जाकर इसकी पेशकश कर चुके हैं, लेकिन क्या राज्यपाल इस पर मानेंगे, राज्यपाल का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। और जो अभी का अपडेट है वो हम आपको बता दें, अभी हेमंत सोरेन राजभवन के अंदर मौजूद हैं और जितने विधायक हैं वो राजभवन के बाहर हैं, राज्यपाल से मुलाकात हो रही है हेमंत सोरेन की, जिसमें एक खबर पुख्ता तौर पर सामने आ रही है कि वो इस्तीफे की पेशकश करेंगे। और अब तो विधायकों ने बोलना शुरू भी कर दिया है, उनकी तरफ से बता भी दिया गया है कि चंपई सोरेन को हमने अपना नेता चुन लिया। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या राज्यपाल इस बात को स्वीकारते हैं, क्या वाकई चंपई सोरेन को झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की जनता देख पाएगी, क्योंकि विधायकों का ये कहना है कि वो तो अभी दिला लीजिए। सर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है क्या? सर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है।